सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने ही चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप लोग के डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सामाजिक शिक्षण विषय का 2017 का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। दोस्तों, 2017 में दो बार पेपर हुआ था। ये पेपर जो पहली बार हुआ था इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके बाद जो पेपर दोबारा हुआ था उसको भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम 2017 का जो पहली बार पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 15 क्वेश्चन है वो विकल्प बी में। 15 क्वेश्चंस में आपको जितने भी क्वेश्चंस आपके सही होंगे आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। तो बिना किसी देरी के हम चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को। तो वह विकल्पी क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार थे। ऑप्शन हैं अबुल फजल, बीरबल, राजा टोडरमल या फिर तानसेन। तो दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन द, तानसेन। दोस्तों, अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार थे तानसेन। अब तानसेन संगीतकार थे और अकबर के दरबार में नौ रत्न थे। आप ये भी जानते हैं कि अकबर के नौ रत्नों में कौन कौन थे। दोस्तों, अकबर के नौ रत्नों में सबसे पहले बीरबल थे, फिर तानसेन थे, फिर अबुल फजल थे, फिर राजा टोडरमल थे, फिर राजा मान सिंह थे, मुल्ला दो प्याजा थे, फकीर अजुद्दीन थे, इसके अलावा अब्दुल रहीम खान खाना थे। तो ये लोग प्रमुख रूप से नौ रत्न माने जाते हैं अकबर के दरबार के। तो इसमें चार रत्नों को दिया है, पांच मैंने बता दिया आपको, तो टोटल नौ आपको पता चल गए। अगर एग्जाम में कोई भी आता है ऑप्शन में तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर दो है, पानीपत का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच, बाबर और मेदनी राय के बीच, बाबर और अफगान सरदार के बीच। दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन आ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये लड़ा गया था। और ये युद्ध लड़ा गया था 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीन है, सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच लड़ा गया। ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध या फिर कर्नाटक का युद्ध। दोस्तों, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच लड़ा गया था प्लासी का युद्ध, यानी कि ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर चार है, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। ऑप्शन है लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड वेलिजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों, यहां पर जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड वेलिजली। और दोस्तों, सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला सबसे पहला शासक था हैदराबाद के निजाम। ठीक है, तो सबसे पहले शासक थे सहायक संधि को स्वीकार करने वाले हैदराबाद के निजाम। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर पांच है, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है। ऑप्शन है गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रसिद्ध गिर वन कहाँ है, गुजरात में है, यानी कि ऑप्शन आप बिल्कुल सही है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार यूपी टेट में भी पूछा गया है। तो आप लोग जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें डीएलएड में पढ़ रहे हैं, किसी भी विषय को आप लोग बहुत ही मन से ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यही सब आपकी पढ़ाई आप लोगों को यूपी टेट और सुपर टेट को भी क्लियर करने में बहुत मदद करेगी। हम लोग आपको आगे चल करके यूपी टेट और सुपर टेट की भी प्रिपरेशन करवाएंगे और लगातार ऐसे ही आप लोगों को डीएलएड के साथ साथ यूपी टेट और सी टेट की भी प्रिपरेशन करवाते चलेंगे, साथ साथ और सुपर टेट की भी करवाएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, यानी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए और आप सभी हमारे जितने भी वीडियोस आते हैं सभी वीडियोस से अपडेट रहें, क्योंकि हम हमेशा नई नई जानकारियां आप लोग के लिए लेके आते रहते हैं। हर एक टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन से एग्जाम्स आप लोग दे सकते हैं, डीएलएड आप लोग का कंप्लीट होने के बाद आप क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इन सभी के बारे में लगातार हम आपसे बताते रहते हैं ताकि आप नई नई जानकारियों से अपडेट होते रहें। तो दोस्तों, आप चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छह है, रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है। ऑप्शन है मानसूनी वन, सदाबहार वन, मरुस्थलीय वन या फिर ज्वारीय वन। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो रबड़ है ये सदाबहार वन में आता है। सदाबहार वन सदा हरे भरे रहते हैं और इनकी पत्तियां जैसे ही गिरती हैं तुरंत नई पत्तियां भी उग जाती हैं, तो इस वजह से ये हमेशा साल भर हरे भरे दिखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बा, सदाबहार वन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सात है, चिपको आंदोलन संबंधित है। आप सभी लोग जानते हैं चिपको आंदोलन क्या है, लेकिन फिर भी मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ, वनों की रक्षा हेतु, जल संरक्षण हेतु, ऊर्जा संरक्षण हेतु या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, चिपको आंदोलन वनों की रक्षा हेतु संबंधित है। आप सभी लोग जानते हैं चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुई थी और इसमें
जब कोई भी वनों को काटने आते थे या पेड़ों को काटने आते थे तो सभी लोग क्या करते थे, उस पेड़ से चिपक जाते थे और उस पेड़ को काटने नहीं देते थे। यानी कि चिपको आंदोलन इसी से संबंधित है कि जब भी कोई पेड़ को काटने आता था तो उस पेड़ की रक्षा कर लेते थे लोग, पेड़ों को चारों ओर से घेर करके, चेन बना करके। तो यही है दोस्तों, इस तरीके से वनों की रक्षा के लिए ये आंदोलन चला था। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदर लाल बहुगुणा है, आप ये भी जानिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शंस है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों सदनों में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हुआ है। तो दोस्तों वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन आप बिल्कुल सही है। वित्त विधेयक को हम धन विधेयक के नाम से भी जानते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अगर धन विधेयक भी आता है तो भी यही आंसर सही रहेगा। यानी कि वित्त विधेयक कहें या फिर हम धन विधेयक कहें, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र सूची का विषय नहीं है, ऑप्शन है रेलवे, बैंक, विदेशी मामले या फिर शिक्षा। दोस्तों केंद्र सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, रेलवे केंद्र सूची में आता है, यानी कि केंद्र सरकार के अंडर में कार्य करता है। ऐसे बैंक जितने हैं सब केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, विदेशी मामले जो है वो केंद्र सरकार ही देखता है। अब यहाँ पर जो शिक्षा है, शिक्षा ना तो केंद्र सूची का विषय है ना तो राज्य सूची में, स्पेशली ये आता है समवर्ती सूची में, यानी कि इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो एग्जाम में ये पूछता है कि कौन कौन से विषय केंद्र सूची के हैं, कौन कौन से विषय राज्य सूची के हैं और कौन कौन से विषय समवर्ती सूची के हैं। तो सबसे पहले केंद्र सूची में वो विषय आएंगे जैसे कि रेलवे हुआ, बैंक हुआ, जो कि जिनसे केंद्र सरकार, जो चीजें केंद्र सरकार के अधीन में होती हैं। ऐसे ही राज्य सरकार में आता है भू राजस्व, कृषि उपकरण, ये सब चीजें आती हैं राज्य सरकार के अंतर्गत। इसके अलावा जो शिक्षा है, शिक्षा आती है समवर्ती सूची के अंतर्गत। यानी कि फिर से दोस्तों एक बार मैं रिपीट कर दूं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियां होती हैं और इन्हीं तीनों में अलग अलग विषय निर्धारित किए गए हैं। तो जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में आती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए, ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष या फिर 40 वर्ष। राज्यसभा की सदस्यता की बात हो रही है तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बा, 30 वर्ष। अब दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर राज्यसभा मैंने बता दिया 30 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि लोकसभा की सदस्यता अगर लेनी है किसी को तो उस उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए, आप लोग प्लीज अधिक से अधिक मात्रा में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत ने अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से ली है, ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, चीन या फिर रूस। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत ने अपनी संसदीय प्रणाली कहां से ली है। दोस्तों ये चाहे मंत्रिमंडलीय प्रणाली पूछे या फिर संसदीय प्रणाली पूछे, तो दोनों का आंसर होगा ऑप्शन आ, ब्रिटेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत ने मूल अधिकारों को कहां से लिया है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो मूल अधिकारों को लिया गया है अमेरिका से और मूल कर्तव्यों को लिया गया है रूस से, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर मंत्रिमंडलीय प्रणाली जो ली गई है वो ली गई है ब्रिटेन से, ऑप्शन आप बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्यसभा का सभापति होता है, ऑप्शन है भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन आ, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, कौन सा जोड़ा गलत है ये हमको देखना है, ऑप्शन है सहारा मरुस्थल अफ्रीका, थार मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका, सोनोराम मरुस्थल उत्तरी अमेरिका, महान विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों यहाँ पर जो गलत है वो है ऑप्शन ब, थार मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका। जबकि आप सभी लोग जानते हैं थार मरुस्थल जो है वो भारत में, उसका आधा भाग भारत में पड़ता है और आधा भाग पाकिस्तान में पड़ता है, तो यहाँ पर इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। तो इसीलिए यहाँ पर यही पूछा है कौन सा जोड़ा गलत है, तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शंस हैं 1773 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में या फिर 1813 ईस्वी में। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। और इसके अलावा एक है पीट्स इंडिया एक्ट, तो पीट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था 1784 ईस्वी में, तो आप लोग ये भी जानिए। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, कई बार रिपीट हुआ है आप ही लोगों के एग्जाम में, तो यहाँ पर याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट जब पूछेगा तो 1773 है और पिट्स इंडिया एक्ट जब पूछेगा तो 1784 ईस्वी आएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है, कंगारू पाए जाते हैं, ऑप्शंस हैं यूरोप महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में या फिर अफ्रीका महाद्वीप में। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कंगारू कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ब बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको 15 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे। दोस्तों ऐसे ही सभी वीडियोस को देखते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के भाई बहन हमसे जुड़ सके। और सिर्फ डीएलएड ही नहीं बल्कि यूपी टेट, सीटेट और सुपर टेट की भी तैयारी हम लगातार आपको कराते हैं। तो दोस्तों प्लीज आप लोग हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिए, और लगातार ऐसे ही आपको नई नई जानकारी, नए नए अपडेट्स देते रहेंगे, और आप लोग की एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही बेहतर तरीके से करवाएंगे। दोस्तों हमारा मात्र एक ही उद्देश्य है कि आप लोग सभी लोगों को गवर्नमेंट जॉब दिलवाना और आप सभी लोगों को सरकारी टीचर बनाना। तो उसके लिए आपको अपनी तैयारी को सुव्यवस्थित तरीके से करना होगा, अपने प्लानिंग के साथ आगे चलना होगा, और सभी विषयों को अभी से तैयार करते हुए चलना होगा। यही सही समय है आप लोग के यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी करने की अभी से, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत अधिक बच्चे बीटीसी बीएड कर रहे हैं। तो यही वो समय है कि आप लोग लगातार अपने पढ़ाई में लगे रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए। आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतना ही आगे जाएंगे और अच्छी जॉब आपको मिलेगी। तो इसीलिए आप लोग अभी से मेहनत करते रहिए, और जहाँ कहीं भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लिया करिए। क्योंकि कई बार आप जितनी भी प्रॉब्लम हमसे शेयर करते हैं, मैक्सिमम टाइम हमने उसको वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया है। क्योंकि आपकी समस्या सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, बहुत सारे प्रशिक्षु ऐसे हैं जिनकी सेम प्रॉब्लम होती है। तो आप लोगों की कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, आप लोग को अपने सेमेस्टर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, या यूपी टेट की जानकारी चाहिए हो, सुपर टेट की जानकारी चाहिए हो, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे और सभी डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। दोस्तों ऐसे हमारे चैनल से बने रहिए। अब यहाँ पर आपने 2017 का फर्स्ट पार्ट देख लिया है, फर्स्ट पार्ट में बहुविकल्पी, सेकेंड पार्ट में अति लघु उत्तरी, और थर्ड पार्ट में हम लघु उत्तरी क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों कम कम तरीके से पढ़ाने का मात्र एक उद्देश्य है, थोड़ा छोटा वीडियो बनाने का, कि आप लोग जितना पढ़िए उतना अच्छा अच्छे से पढ़िए और सॉलिड पढ़िए और समझ करके पढ़िए, ताकि आगे तक आपको चीजें याद रहे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत धन्यवाद। दोस्तों ऐसे हमारे चैनल से बने रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल से। जय हिंद।